हेलो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और लगातार आप मेरी वीडियोस देखते जा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से एक क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट करके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कोई इस तरीके का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, एक बिज़नेस सेटअप करना बहुत आसान है और लो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसा कम है तो भी आप अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक कॉलर जो थे फरीदाबाद से, उनका क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास कोई इंक्वायरी आती है और वो मुझसे पूछती हैं कि आपके कंप्यूटर्स कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कोई आता है और आपसे पूछता है कि हाँ आपके पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो फिर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे रन करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से सेटअप करते हैं कि आपके पास पहले से ही लर्नर्स एडवांस पेमेंट्स करके जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रहा था। और थोड़ा सा एक छोटी सी कैलकुलेशन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ किस तरीके से काम कर रहा है। जो स्कॉलरशिप स्कीम की जो पिछली वीडियो चल रही है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लो इन्वेस्टमेंट करके आप हाई रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 200 स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं शुरुआत में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स, और आपने उनकी जो मंथली स्कॉलरशिप एग्ज़ाम फीस रखी है वो रखी है 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि 200 मल्टीप्लाई बाई 100, इट मीन्स कि आपके पास जो टोटल अमाउंट आया वो 20,000 रुपये आपने इकट्ठा कर लिया है, वो स्टूडेंट से स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 200 स्टूडेंट भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ी एक डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपने मंथली फीस रखी है वो तो बहुत ज़्यादा कम रखी है। अच्छा, चलिए मैं इसको बहुत छोटी सी चीज़ में समझाता हूँ कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। चलिए, हमारा एक प्रोग्राम है, हम अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके का दे रहे हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर जो भी हमारे लर्नर्स हैं अगर उनके स्कॉलरशिप में मार्क्स 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको जो हम कोर्स कराएंगे वो 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स फ्री कराएंगे। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देख पाए तो उसे ज़रूर देखिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आपको ऑफ़र करनी है अपने लर्नर्स को जो अनबिलीवेबल हो, यानी कि कोई भी इस पर विश्वास ना कर पाए आपको छोड़ करके, जब आपको विश्वास होगा तो बाकी लोगों को भी अपने आप विश्वास होगा। चलिए, 75% मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने पर हम ये कंप्यूटर कोर्स उनको फ्री करा रहे हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है कि इसका जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट हमने रखा है वो किसी भी संडे को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके लिए स्टूडेंट को 100 रुपीज़ स्कॉलरशिप टेस्ट का चार्ज देना है, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट चार्ज हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि अगर उनके नंबर 75 से अबव नहीं आते तो क्या होगा। बिलो 75 में हम ये कोर्स उनको 100 रुपीज़ पर मंथ में कराने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 100 रुपीज़ पर मंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे इसमें अर्न कर पाएंगे। मैं पूरी फिगर आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, और स्पेशली ये वीडियो सनी के लिए भी है जो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बिजनेस प्लान के बारे में, तो उनके लिए भी है। बिलो 75% मार्क्स लाने वाले लर्नर्स जितने भी होंगे उनको हम 100 रुपीज़ पर मंथ में कोर्स कराने वाले हैं। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप ये मैसेज मार्केट में स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं तो आप कितने लोगों को गैदर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप लगभग 150 स्टूडेंट्स को गैदर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 150 स्टूडेंट्स से पर हेड आपको 100 रुपीज़ मिले, ठीक है। 150 का मतलब ये हुआ कि कोई भी लर्नर आपके पास आता है आप उसे इंक्वायरी देंगे और वो अपने साथ 2-4 लर्नर्स को लेकर के आएगा, तो ये कैलकुलेशन बैठती है कि आपके पास जो है 15,000 रुपये कैश आ चुका है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है,
दूसरा काम आपको बनाना होगा एक क्वेश्चन बैंक, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है। उस क्वेश्चन बैंक का चार्ज हमने 50 रुपीज़ रखा हुआ है, जिसमें लगभग 300 से 400 क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक हमको अनबुक कह रहे हैं उसको, क्वेश्चन बैंक बनाया और उसमें 300 से 400 क्वेश्चंस आपको रखने हैं, आंसर नहीं रखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन रखेंगे। हमारी पुरानी वीडियो में आप देखिए वो बुक का फॉर्मेट, और उसका चार्ज 50 रुपीज़ आपने रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और अब मैं मान के चलता हूँ कि सारे लर्नर तो नहीं, अगर 50% लर्नर भी इस बुक को ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% लर्नर्स ने ये बुक आपसे ले ली है, क्योंकि सारा का सारा पेपर इसी बुक में से आने वाला है, तो आप उनको ये बुक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बुक का साइज़ आपको A6 रखना है। अगर आप बुक का साइज़ A6 रखेंगे तो ये फोटोकॉपी में लर्नर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है, तो आप इजीली उनको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ये दो फिगर हमारे पास आ गई, ये कलेक्शन हमने एडवांस ले ली है लर्नर्स से, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका रिज़ल्ट आउट किया, और रिज़ल्ट आउट करने पर मैं मान के चलता हूँ कि लगभग, देखिए सारे स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री की कैटेगरी में आ गए, यानी कि वो जो आपको पैसा देने वाले हैं वो शून्य होगा, जीरो। और 100 स्टूडेंट जो आपके 100 रुपीज़ पर मंथ में आने वाले हैं, सॉरी, तो 100 रुपीज़ पर मंथ में आए, तो आपके पास जो कलेक्शन आई वो 10,000 रुपये आई, ये हो गया, ठीक है। अब कुल मिलाकर के आपकी जो रकम हो गई वो यहाँ पर आ गई आपके पास, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं इसको, यहाँ से, ठीक है। टोटल आपके पास अभी 47,000, नो, कैलकुलेशन में छोटी सी गड़बड़ है, ये 28,000 समथिंग आएगा, या 28,750 रुपीज़, सॉरी, ये कैलकुलेशन आपकी निकल के आई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास टर्म्स कंडीशन रूल्स है कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ क्लास लेगा उसको सेमेस्टर एग्जाम फीस वो अगले 30 दिन के अंदर ही पे कर देनी है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं पे करेगा तो क्या चांसेस होंगे कि वो आगे 3 महीने तक कंटिन्यू करेगा, तो जब आप उनका एडमिशन करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि 200 रुपये जो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस है वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो फ्री में हों चाहे 100 रुपीज़ पर मंथ में हों, उनको पे करना ही करना है। तो ये 20,000 रुपये भी अगले 30 दिन में आपके पास आ जाएगा, कुल मिला करके अगले 45 दिन के अंदर आपके पास 48,750 रुपये आ गए हैं, प्लस हर महीने आपको अभी 10,000 रुपये की इनकम हो रही है, और हर तीसरे महीने में आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की फीस 20,000 रुपये आ रही है। सॉरी, वो तो 150 स्टूडेंट थे ना आपके पास, सॉरी, ये 30,000 ये रहेगा और यहाँ 30,000, इस तरीके से तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर पाएँ अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर, तो आप उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर। मेरा नाम है राजीव मिश्रा, जो मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपके एजुकेशनल बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और यहाँ पर मैं आपको हेल्प करूँगा कंप्यूटर सेंटर रन करने के लिए, ट्यूशन सेंटर रन करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सेंटर रन करने के लिए, और साथ ही साथ मैं कई तरीके की वीडियोस बनाता हूँ जिनमें मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन सेटअप के बारे में, जिसकी एक वीडियो मैंने आपको दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जब आपने मुझसे जानना चाहा कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिज़ाइन करें, तो मैंने आपको बताया। आज कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि आखिर ये हेल्प बुक क्या है, मैं उसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कर पाए। पहली बात तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगले 10-15 दिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, मेंटल वर्क ज़्यादा होगा, फिजिकल वर्क भी होगा, स्मार्ट वर्क होगा, ताकि आपका फ्यूचर सेट हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप कंडक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, बिल्कुल सही। अब ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन स्टूडेंट्स को, सॉरी,
स्टूडेंट्स को ये नहीं आइडिया होता है कि आखिर वो किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको ये भी नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स क्या होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उन्हें एक हेल्प बुक की सुविधा दे रहे हैं। हेल्प बुक में क्या होगा कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पास एक लिस्ट होगी जनरल मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसमें से ही आप अपना क्वेश्चन पेपर पूछेंगे। एक्चुअल में मैं आपको फंडा बता दूं, फंडा क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ हेल्प बुक आप थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप कुछ पैसे जनरेट करेंगे वहाँ से, और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जाएगा कि वो तैयारी कैसे करें। और इस हेल्प बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका साइज़, हेल्प बुक का साइज़ जो है आप A6 रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को शायद A6 के बारे में जानकारी ना हो। A4 हम जनरली फोटोकॉपी कराते हैं, उसका हाफ A5 होता है, और A5 का भी हाफ A6 होता है, जैसे कि पॉकेट डायरी टाइप में होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि स्टूडेंट इसको कभी भी कहीं भी कैरी कर सकता है, और दूसरा कि वो बुक आपसे ही लेगा, न कि वो मार्केट में फोटोकॉपी कराएगा, क्योंकि प्रिंटआउट आप उसको दे रहे हैं A6 के फॉर्मेट में, तो उसको फोटोकॉपी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। तो बुक चार्ज हमने ₹50 रखा हुआ है, और सारा पेपर हम इसी में से लेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। इस हेल्प बुक को आप अपना एक प्रमोशन का मीडियम मान लीजिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि एग्ज़ाम हॉल में हम जल्दी पहुँचे, आईडी कार्ड लेकर के आए, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका था, और इस तरीके का हमने एक विजिटिंग कार्ड कलरफुल बनाया हुआ था, और यही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लर्नर्स को। इसके पीछे जो है एक्चुअल में एक टेबल होती है बैक साइड में, जिसमें हम बताते हैं कितने नंबर से कितने नंबर वालों की फ़ीस हम क्या रखने वाले हैं, और ये डिसीजन आपका होगा कि आप फ़ीस क्या चार्ज करते हैं। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर आंसर नहीं मेंशन किए हैं। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आंसर्स उनको ढूंढने होंगे। अगर आंसर भी आपने इसमें दे दिए तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में ये बुक ही ले आएगा, और वहीं से आंसर कॉपी करने की कोशिश करेगा, हार्डवर्क वो करेगा नहीं। यहाँ उसे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, उनके आंसर याद करने पड़ेंगे, और एक घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो ये स्मार्ट लर्नर्स के लिए है। इसको हमने एक एडवर्टीजमेंट बुक की तरह ही तैयार किया हुआ है। ये जहाँ पर ये कंटेंट कंप्लीट हो रहा है नीचे, यहाँ पर हम देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है, सॉरी ऐड दिया हुआ है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IIPL प्रतिभा विकास योजना, छात्रवृत्ति योजना, कुछ आसान परीक्षा प्रश्नों का जवाब देकर पाएँ छात्रवृत्ति। और इसमें और भी डिटेल दी गई है, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, बीच बीच में आपके जो भी पैम्पलेट्स हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक हिडन मैसेज है उनके लिए, जो हम कई बार नहीं बताते हैं लेकिन लर्नर को पता होता है, जैसे कि परीक्षा परिणाम के दिन दाखिला शुल्क ₹500 तथा अनुमानित मासिक शुल्क, यानी कि जो भी टेंटेटिव फीस होगी वो 95 होगी, 100 होगी, 125 होगी, वो उनको साथ लेकर के आना है, ताकि जो उनका दाखिला है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, देखिए इसको हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी गड़बड़ की है, उसको आप करेक्ट कीजिएगा, और आपको जो फीस मिलेगी उससे आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर बैच में हो जाएगा, जो पर्टिकुलर बैच आप चाहते हैं। ये भी एक एडवर्टीजमेंट कार्ड है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं अपनी फ़ोटो ही यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का कर लीजिएगा, और भी ऐड इसके अंदर डाल दीजिएगा। एक तो ये बुक हो जाएगी, उसके पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, और आपका ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। कंटेंट हम क्या क्या कराने वाले हैं वो यहाँ मेंशन, आप कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो ये हेल्प बुक आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी, आपको रेवेन्यू देगी, स्टूडेंट शेयर करेंगे इस बुक को, तो उन्हें पता चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे रही है, और क्वेश्चन के आंसर करते हुए उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने अपनी तरफ से स्पोकन इंग्लिश का ऐड किया हुआ है, थोड़ा बीच बीच में ऐड करते रहते हैं जैसे हमें टाइम मिलता है। एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जितने ज़्यादा कंटेंट है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, और मेरी हेल्प लेते रहिए ताकि आप अपने इंस्टीट्यूशन को और भी बेहतर बनाएं। और भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, राजीव मिश्रा से बात कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिर ये हेल्प बुक क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कर पाए। पहली बात तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगले 10-15 दिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, मेंटल वर्क ज़्यादा होगा, फिजिकल वर्क भी होगा, स्मार्ट वर्क होगा, ताकि आपका फ्यूचर सेट हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप कंडक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। बिल्कुल सही। अब ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन स्टूडेंट्स को ये नहीं आइडिया होता है कि आखिर वो किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको ये भी नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स क्या होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उन्हें एक हेल्प बुक की सुविधा दे रहे हैं। हेल्प बुक में क्या होगा कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पास एक लिस्ट होगी जनरल मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसमें से ही आप अपना क्वेश्चन पेपर पूछेंगे। एक्चुअल में मैं आपको फंडा बता दूं, फंडा क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ हेल्प बुक आप थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप कुछ पैसे जनरेट करेंगे वहाँ से, और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जाएगा कि वो तैयारी कैसे करें। और इस हेल्प बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका साइज़, हेल्प बुक का साइज़ जो है आप A6 रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को शायद A6 के बारे में जानकारी ना हो। A4 हम जनरली फोटोकॉपी कराते हैं, उसका हाफ A5 होता है, और A5 का भी हाफ A6 होता है, जैसे कि पॉकेट डायरी टाइप में होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि स्टूडेंट इसको कभी भी कहीं भी कैरी कर सकता है, और दूसरा कि वो बुक आपसे ही लेगा, न कि वो मार्केट में फोटोकॉपी कराएगा, क्योंकि प्रिंटआउट आप उसको दे रहे हैं A6 के फॉर्मेट में, तो उसको फोटोकॉपी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। तो बुक चार्ज हमने ₹50 रखा हुआ है, और सारा पेपर हम इसी में से लेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। इस हेल्प बुक को आप अपना एक प्रमोशन का मीडियम मान लीजिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि एग्ज़ाम हॉल में हम जल्दी पहुँचे, आईडी कार्ड लेकर के आए, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका था, और इस तरीके का हमने एक विजिटिंग कार्ड कलरफुल बनाया हुआ था, और यही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लर्नर्स को। इसके पीछे जो है एक्चुअल में एक टेबल होती है बैक साइड में, जिसमें हम बताते हैं कितने नंबर से कितने नंबर वालों की फ़ीस हम क्या रखने वाले हैं, और ये डिसीजन आपका होगा कि आप फ़ीस क्या चार्ज करते हैं। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर आंसर नहीं मेंशन किए हैं। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आंसर्स उनको ढूंढने होंगे। अगर आंसर भी आपने इसमें दे दिए तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में ये बुक ही ले आएगा और वहीं से आंसर कॉपी करने की कोशिश करेगा, हार्ड वर्क वो करेगा नहीं। यहाँ उसे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, उनके आंसर याद करने पड़ेंगे, और 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो ये स्मार्ट लर्नर्स के लिए है। इसको हमने एक एडवर्टीजमेंट बुक की तरह ही तैयार किया हुआ है। ये जहाँ पर ये कंटेंट कंप्लीट हो रहा है नीचे, यहाँ पर हम देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IAPL, प्रतिभा विकास योजना, छात्रवृत्ति योजना, कुछ आसान परीक्षा प्रश्नों का जवाब देकर पाएँ छात्रवृत्ति, और इसमें भी डिटेल दी गई है, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है यहाँ पर, जनरल इंग्लिश है। बीच बीच में आपके जो भी पैम्पलेट्स हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पर देखिए एक हिडन मैसेज है उनके लिए, जो हम कई बार नहीं बताते हैं लेकिन लर्नर को पता होता है, जैसे कि परीक्षा परिणाम के दिन दाखिला शुल्क ₹500 तथा अनुमानित मासिक शुल्क, यानी कि जो भी टेंटेटिव फीस होगी वो 95 होगी, 100 होगी, 125 होगी, वो उनको साथ लेकर के आना है, ताकि जो उनका दाखिला है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, देखिए इसको हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी गड़बड़ की है, उसको आप करेक्ट कीजिएगा, और आपको जो फीस मिलेगी उससे आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर बैच में हो जाएगा, जो पर्टिकुलर बैच आप चाहते हैं। ये भी एक एडवर्टीजमेंट कार्ड है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं अपनी फ़ोटो ही यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का कर लीजिएगा और भी ऐड इसके अंदर डाल दीजिएगा। एक तो ये बुक हो जाएगी, उसके पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, और आपका ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। कंटेंट हम क्या क्या कराने वाले हैं वो यहाँ मेंशन, आप कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो ये हेल्प बुक आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी, आपको रेवेन्यू देगी, स्टूडेंट शेयर करेंगे इस बुक को तो उन्हें पता चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे रही है, और क्वेश्चन के आंसर करते हुए उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है,
या हमने अपनी तरफ से स्पोकन इंग्लिश का ऐड किया हुआ है, थोड़ा बीच बीच में ऐड करते रहते हैं जैसे भी हमें टाइम मिलता है। एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो वर्कलोड ज़्यादा है तो हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जितने ज़्यादा कंटेंट है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें रखे जा सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आप किसी को पास करने के लिए या फेल करने के लिए नहीं कर रहे। बीइंग अ बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं तो आपका पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को आप एनरोल कर पाएँ स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको ना अपना पेपर बहुत ज़्यादा ईजी रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही सुना आपने, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी रखना पड़ेगा। हाँ, जो टैलेंटेड लर्नर्स हैं ऑफ कोर्स टैलेंटेड लर्नर्स को तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ लर्नर्स स्लो हैं भी तो उनको भी हम फीस में डिस्काउंट यहाँ पर दे ही रहे हैं। टारगेट एक ही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर पाएँ अपने प्रोग्राम्स में और उसके बाद हम उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट देंगे। एंड देन आफ्टर एक छोटा सा काम करना है कि भविष्य में उनको अदर कोर्सेज में भी हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ट्यूशन क्लासेस देते हैं 11th 12th के लिए या ग्रेजुएशन के लिए या आपके यहाँ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम रन किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अगर आपने 200 लर्नर इकट्ठे कर लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए तो टारगेट कस्टमर, एक्चुअली मैं कस्टमर नहीं कहूँगा लेकिन अगर बिजनेसमैन की लैंग्वेज कहें तो टारगेट कस्टमर जो है वो आपके हाथ में है, आपको उसको लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। अब आप उन्हें अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोर्स ऑफर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके अदर प्रोग्राम्स में भी कन्वर्ट हो जाए। ये स्किल्स क्वालिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए, इसीलिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी लिया जाएगा। चलिए मैं आपको पेपर का फॉर्मेट दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, ये एक PDF फॉर्मेट है हमारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का और ये आपको ना टाइप करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपको ये पेपर चाहिए। तो थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए कि आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन कन्वीनियंट होंगे। देखिए मैंने पेपर जो है वो 4 पेज का डिज़ाइन किया है, PDF है और 100 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जनरल मैथ है, जनरल साइंस है, जनरल इंग्लिश है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज का हम देखते हैं, जनरल नॉलेज का हमारा पेपर है जो मैंने टाइप किया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 एक नंबर का एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने दिया हुआ है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसका आंसर जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि स्टूडेंट को हमारी OMR शीट पर मार्क करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर OMR शीट दिखाता हूँ अगर आपने ये नहीं देखी है तो, सॉरी, ये हमारी फर्स्ट शीट यहाँ पर ये रही OMR शीट। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही है तो वो उसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो भी वो सही लगाना चाहे। टाइपिंग थोड़ा सा देख करके कीजिएगा क्योंकि कई बार हिंदी में टाइपिंग एरर्स आ जाती है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन थोड़ा प्रूफ रीडिंग का काम कर लीजिए, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन ईजी रखे हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ। लेकिन कुछ और भी ट्रिक्स हैं वो जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं बता सकता, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स भी इस वीडियो को देखते हैं तो हम सारी बातें यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी स्लैब आपने बनाई है, जैसे आपने कहा कि जिनके स्टूडेंट के मार्क्स 75 से अबव आ जाएंगे उनको हम 100 रुपये पर मंथ में पढ़ाएंगे या 95 पर मंथ में पढ़ाएंगे, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर कोई स्टूडेंट 74 भी गेन कर रहा है तो आप अपनी तरफ से प्लीज़ उसको 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ग्रेस जरूर दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आप ग्रेस दे सकते हैं अपनी तरफ से क्योंकि 1 नंबर से भी उसको बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि हम बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और इस वजह से हम उनके साथ में अच्छा करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ एनरोल हों। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, अब देखिए इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर हो सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हों, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके काम नहीं आने वाला है इन केस, क्योंकि 23 मई को रिजल्ट आउट होंगे तो चीज़ों में बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दीजिएगा, और इस स्टूडेंट को बड़े ईजी लगते हैं, वो फटाफट इनके आंसर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आपका जनरल मैथ हो जाता है, सॉरी जनरल नॉलेज हो जाता है, आप जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन टाइप करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वो टाइप कीजिएगा जो आपने हेल्प बुक में ऑलरेडी डाल रखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपसे सवाल करेंगे सर हेल्प बुक में क्वेश्चन कुछ और हैं और आपने एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वही क्वेश्चन उनमें से 400-500 क्वेश्चन आप टाइप कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा, उनमें से 100 क्वेश्चन आपको देने हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसमें आंसर आपको नहीं देना है तो स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा और उन्हें याद भी रखना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस ले सकते हैं आप, हिंदी में ले सकते हैं पेपर या इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ये आपके नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यही पेपर आपको चाहिए तो फिर मैं आपको ये मेल कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पर, जो भी ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बड़े ईजी हैं, ठीक है। एक घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो जो ज़्यादा तेज होगा वो ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा। हाँ, कहीं आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो वहाँ पर आप उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। रफ वर्क के लिए मैंने यहाँ पर एक पेज का एरिया छोड़ दिया है। हाँ, जब आप ये एग्ज़ाम लेंगे तो उस केस में पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, और दूसरा ये है कि नेगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा, एक आध मार्क्स आप थोड़ा सा लिबरल बन जाइए उनको दे दीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों वापस ले लीजिएगा। आप उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो लेकर के जाएंगे, अननेसेसरी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो आप रख लेंगे। फ्यूचर में ये होगा कि आप उनको एज ए स्क्रैप यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी काम के लिए पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस तो चार्ज कर ही नहीं रहे, तो जो भी हम यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। ये कर लेंगे और उसके बाद में आप इनका रिजल्ट आउट कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप का फॉर्मेट क्या रखा जाए, तो 8th और 10th का स्टैंडर्ड रखिएगा, और हेल्प बुक तो आपने ऑलरेडी दे ही रखी है। मैं एक बार फिर इस वीडियो में भी हेल्प बुक दिखा देता हूँ आपको, ये एक हेल्प बुक है, और यहीं से कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में वहाँ उनके MCQ बना देते हैं। क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा स्टूडेंट को हार्डवर्क करने दीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बुक दी हुई है, तो इसमें आपको डबल बेनिफिट है। एक स्कॉलरशिप के लिए आपने चार्ज किया 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ आप बुक चार्ज कर रहे हैं, इसके बाद आप रिज़ल्ट आउट करेंगे, तो रिज़ल्ट आउट करते वक्त आपको 500 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस चार्ज करनी है। वो बहुत कॉमन है और स्टूडेंट मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो 100 रुपये पर मंथ फ़ीस दे रहा है 95 रुपीज़, उसके लिए 500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो ईज़िली आपको पे कर देंगे। तो फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट आप एडवांस लेंगे, और मैं आपको एक रूल रेगुलेशन का पेपर भी दूंगा MS वर्ड में, वो रूल रेगुलेशन का पेपर हिंदी में ज़रूर टाइप करवा लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके काम बहुत आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है, अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो घबराइएगा मत, आप डायरेक्टली मुझसे आ सकते हैं, मैं पूछ सकते हैं सॉरी, और मैं आपको उनके आंसर ईजिली दूंगा। आप देख रहे थे वीडियो राजीव मिश्रा के साथ, धन्यवाद। स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है लोकेलिटी, यानी कि वेन्यू। तो अगर आपके पास जो भी स्पेस अवेलेबल है, वो स्पेस आपके खुद की क्लासरूम है या आपके आसपास में कोई हॉल एम्प्टी है जिसको आप 2-3 घंटे के लिए रेंट पर ले सकते हैं, आप उस हॉल को रेंट पर ले लीजिए, और वहाँ पर जो भी फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है क्लासरूम का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टेंट हाउस से टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चेयर्स आप वहाँ से ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, जहाँ पर हमारे पास बेंचेस हैं स्टूडेंट्स की बैठने के लिए, उन्हीं बेंचेस का इस्तेमाल करके हम क्लासरूम में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से है, देखिए। तो सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हम करें। तो हमारे पास ये बेंचेस हैं, इन बेंचेस पर हम स्टूडेंट्स को जगह देंगे, आगे आप देखेंगे वीडियो के अंदर, या बेंचेस पर उन्हें बिठाया जाएगा और उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि वो अपना एग्ज़ाम बोर्ड लेकर के आएँ, कार्डबोर्ड लेके आएँ या गत्ता जिस पर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं।
उनके आईडी कार्ड पर भी ये पहले से ही मेंशन किया जाता है, उनको साफ साफ बता दिया जाता है जब उनको आईडी कार्ड दी जाती है कि इस आईडी कार्ड को साथ में लेकर के आइएगा, एग्ज़ाम हॉल में 20 मिनट पहले पहुंचिएगा और अपने साथ में एक पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और एग्ज़ाम बोर्ड लेकर के आइएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि सारे स्टूडेंट इस तरीके से बैठेंगे तो उन्हें नकल करने में आसानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका 100 क्वेश्चन है और जिसमें से आपको एक घंटे का टाइम मिलता है, तो उसमें स्टूडेंट दूसरे का पेपर देखेगा या अपना आंसर कर पाएगा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। और दूसरा, हम उनके सेट अलग अलग बनाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, एक दूसरे के सेट में से वो सेम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी क्लासरूम का एक व्यू है हॉल में, जो हम बड़ी क्लासरूम रखते हैं जब हमारे पास लर्नर 50-100 या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर बिठा करके काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। आप ध्यान से देख पाएंगे कि एक लाइन में यहाँ पर तीन बेंचेस हैं, तीन का मतलब है 9 स्टूडेंट्स, 9 2 18 एंड 18 यहाँ पर हम इसको लेंगे, और 36 लर्नर लिए हमने, 36 लर्नर्स के बाद जो भी हमारे पास चेयर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 70 स्टूडेंट्स की है, और अगर स्टूडेंट आपकी सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं तो आप उनको दो अलग अलग बैचेस में बुला सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तीन बैच में बुला सकते हैं, चार बैच में एग्ज़ाम के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट अब आना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम हो या 10 मिनट पहले ही वो क्लासरूम में एंट्री लें, सिटिंग अरेंजमेंट हो इस तरीके से। तो हमारी लोकेलिटी में लोगों को भी पता चल जाता है कि हाँ, आखिर यहाँ पर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, और जिससे क्या होता है, सेम डे भी हमारे पास कई सारी इनरोलमेंट आती हैं, लोग पता करके जाते हैं और वो फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं यहाँ पर। हम सीखेंगे किस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर एक ओएमआर शीट बनाई जाती है। ये एक ओएमआर शीट का सैम्पल है। ओएमआर शीट बनाना एमएस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप अपने एमएस वर्ड में इजीली एमएस ओएमआर शीट डिज़ाइन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं एमएस वर्ड के एक ब्लैंक पेज पर, और सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स में हमें देखना है कि हमारा जो प्रिंट एरिया है उसका मार्जिन कितना होगा, क्योंकि हमारी शीट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसके मार्जिन को थोड़ा सा घटा देता हूँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, और इस मार्जिन को मैं 0.3 पर ले आता हूँ, मिनिमम 0.3। अगर आप अपने प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट लेने वाले हैं तो 0.3 पर आपका मार्जिन सेट होते ही ये पेज प्रॉपर प्रिंट दे देगा, लेकिन अगर 0.3 से आप कम करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट जो है आपका प्रिंट में कट जाएगा, तो इसलिए 0.3 दीजिएगा ताकि इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करके आराम से आप प्रिंट निकाल पाएँ। पहला काम तो हमने यहाँ पर सेट किया कि इसका मार्जिन 0.3 पे चारों साइड से सेट किया। पेज की विड्थ जो है हमें ज़्यादा मिल गई है, ये कंट्रोल F2 से मैं प्रिंट प्रीव्यू पर हूँ, अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है कि पेज कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कहाँ नहीं। सबसे पहले हम काम करते हैं कि इसका टाइटल देखिए, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग OMR शीट बनाते हैं, मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक OMR शीट डिज़ाइन की है। सबसे पहले मैंने वहाँ पर लिखा आंसर शीट और इसको कंट्रोल ई से मैं सेंटर में ले आया, सेलेक्ट किया मैंने इसको कंट्रोल होम से और कंट्रोल ब्रैकेट से इसका साइज जो है
चेंज कर रहा हूँ। कोई भी ग्रामेटिकल एरर है आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद में एंटर स्पेस दे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंटर, अब इसके बाद कंट्रोल एल, मैंने लेफ्ट लिया और लेफ्ट के बाद मेरे वो कंटेंट जो मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल, तो रोल नंबर लेकर के चलते हैं। रोल नंबर डैश शिफ्ट, डैश की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि लाइन की जो विड्थ है वो बिल्कुल लंबाई है वो उतनी ही रहे जितने की पहले वाले में दी गई है। टैब बटन प्रेस करते हैं, टैब की, और इसके बाद में फिर से पेस्ट, और रोल नंबर को चेंज करके आप यहाँ पर नेम ले सकते हैं, एंड देन आपका एंड में मोबाइल। तो राइट, कैपिटल हो गया है, थोड़ा सा चेंज, टैब पेस्ट, और यहाँ पर मोबाइल दिया जा सकता है। इसका साइज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर हमें नीड नहीं है तो नहीं करेंगे। सो राइट नाउ जस्ट आई मेड देयर रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल। कंट्रोल F2 फॉर द प्रिंट प्रीव्यू। नाउ यू कैन सी द प्रिंट प्रीव्यू हियर इजीली। सो दिस पेज, राइट, तो अब प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है, इसका मतलब ये मार्जिन में कटेगा भी नहीं, लेफ्ट से भी और राइट से भी नहीं। चलिए एंटर प्रेस करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक आसान तरीका है क्योंकि इसमें अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर सैम्पल OMR शीट में अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या जितने भी सर्कल आपने बनाए हैं वो सर्कल इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कैसे होगा चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, व्यू मेन्यू में चलते हैं। व्यू मेन्यू में हम इसका ग्रिड लाइन सेट कर देते हैं ताकि ग्रिड लाइन से हमें पता चले कि हमारे जो सर्कल से वो प्रॉपर अलाइंड है या नहीं है। नाउ वी आर गोना जस्ट गो टू द होम टैब एंड विल टेक हियर नंबरिंग, राइट, नंबर से लेते हैं। और आप चाहते तो इसका कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलम में डिवाइड करना है तो कॉलम आप दे दीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। पहले भी कॉलम दे सकते हैं, बाद में भी कॉलम दी जा सकते हैं। हम इसको पहले ही कॉलम में सेट करते हैं। पेज लेआउट एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर 4, 4, ओके। ये हमारे पास 4 कॉलम हो गए, कॉलम आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। हम इसी की विड्थ पे रखेंगे। अगर आपको और अच्छा इसको देखना है तो आप कॉलम में लाइन भी ऐड कर दीजिए, लाइन बिटवीन, ओके, ताकि आपको पता रहे कि कंटेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक टाइप होना है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं कंट्रोल एंड माउस व्हील की मदद से। अब होम में चलते हैं और होम में नंबरिंग देते हैं 1, यानी कि मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसका इंडेंट घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रूलर पर जाकर के आप इसका इंडेंट घटा सकते हैं। इंडेंट घटाते हैं इसका, यहाँ पर सेट करते हैं चेंज, यहाँ से यहाँ तक ठीक है आपके लिए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको और भी लेफ्ट में ले सकते हैं। या आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। नाउ सो हेयर वी हैव टू ड्रॉ अ शेप फ्रॉम द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में चल करके एक शेप ले लेते हैं सर्कल या, और शिफ्ट की मदद से इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट राउंड चाहिए। ये शिफ्ट की मदद से मैंने ड्रॉ किया, इसका साइज थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा, करेंगे। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके हम पहले तो इसका जो कलर फिल किया गया है वो हटा रहे हैं नो फिल करके। जो इसमें आउटलाइन होगी उस आउटलाइन को यहाँ से ब्लैक कर देंगे, और अगर सर्कल की जो आउटलाइन है वो ज़्यादा ही आपको डार्क लग रहा है तो उसको थोड़ा सा लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ जा करके ये, तो वो आप देखिएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे आपको ठीक लग रहा है। और यहाँ से शिफ्ट की मदद से ही इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पर आ गए और छोटा करना चाहते हैं ये ले लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक रहेगा। इसको ऊपर नीचे जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है इतना कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल की मदद से हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट हो गया। कंट्रोल की मदद से मैंने अपने माउस से इसको पिक किया और ड्रॉप किया, माउस उठा करके रख दिया मैंने इसको, और एरो की से थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर सकते हैं या माउस की मदद से, जैसे कि मैंने माउस की मदद ली यहाँ पर, राइट, इतना 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 काफ़ी है।
अब ग्रिड लाइन का बेनिफिट एक होता है कि यहाँ पर इसमें एक मैग्नेटिक पावर आती है जो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करती है कंट्रोल के साथ। एक और मैंने थोड़ा सा पास में लिया, यहाँ पर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पास में आते हैं, यहाँ पर है, और एक और सर्कल हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ ऊपर, तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कटेगा नहीं क्योंकि लाइन को हम हटाने वाले हैं यहाँ से। ये सिर्फ अपने अपना बॉर्डर देखा था कि कहाँ तक हम इसको ले सकते हैं, इसको घटाया जा सकता है, ये देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, देखिए कॉलम जो है आपका शिफ्ट हो रहा है यहाँ इस तरीके से, और ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ आपको, फिलहाल हम इससे काम चला लेंगे। राइट, यहाँ रहेगा, इतना रखते हैं, और जितना भी गैप आपको चाहिए वो आप गैप अलाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं डिज़ाइनिंग में, जैसे कि आप कोरल ड्रॉ या पेज मेकर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एमएस वर्ड से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ओएमआर शीट बना सकते हैं। और यहाँ पर ये रहा कंट्रोल एफ टू, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ग्रिड लाइन हम बाद में हटाएंगे। यहाँ मैंने फर्स्ट रो जो है वो तैयार कर दी है, और अब इसके कॉलम की जो लाइनिंग है, लाइन बिटवीन, उसको जाकर के हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको आइडिया हो चुका है कि कैसे काम होना है, ये क्लोज, अब स्पेस एंटर, सेकंड कॉलम में चले गए, आप सेकंड में दे सकते हैं, या फिर आप चाहते तो इसका कॉलम हटा करके कंटिन्यूसली अप टू डाउन भी इसको ले सकते थे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एंटर, सॉरी स्पेस एंटर, इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 इस कैटेगरी में बनाऊँगा, या नीचे जा करके इसको बना सकता हूँ, और फाइनली ऐसा करते करते हम इस तरीके से टेबल ग्रिड के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा तरीका इसके अंदर है कि आप इसको टेबल में ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप टेबल में ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। मैं इसके कॉलम्स को हटा देता हूँ, आपके जितने भी कॉलम हैं कॉलम को आप 1 पे सेट कर दीजिए, ये वापस 1 हो जाएगा, 2 यहाँ दिखा रहा है, अब आप इसके साथ में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, ऊपर के लिए आपको फिर टैब करके या स्पेस दे करके एंटर करके बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, और ये जितने भी सर्कल है अब इनको मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि इसकी अलाइनमेंट चेंज ना हो। परफेक्ट, अब यहाँ पर ये एक सिंगल रो में आ चुकी है, अब इसको मैं कंट्रोल के साथ पिक करूंगा और नीचे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर डन। रिसाइज आप कर सकते थे जितना भी आप चाहें, यहाँ गए स्पेस एंटर, नंबर तीन के लिए हम यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से कंट्रोल की मदद से, और जब ये सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसको अलाइन प्रॉपर कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं ये ऊपर नीचे हो रहा है तो चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी काम करते हैं, एक दो तीन, इन तीनों को एक साथ पिक करते हैं, कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं माउस की मदद से कंट्रोल के साथ उठा करके नीचे रख रहा हूं, यहां पर आ गया, यहां आपके 6 हो चुके हैं, अब आपको इसी की मदद लेनी है, 4 स्पेस एंटर, 5 स्पेस एंटर, 6 स्पेस एंटर, 7, और अब आप जितना चाहें तो एक साथ इसको कॉपी कर सकते हैं। वन सेट हम इसका तैयार करेंगे, और उसको तैयार करने के बाद में हम इस तरीके की ओएमआर शीट एमएस वर्ड में ड्रॉ कर चुके होंगे, फाइनल आउटपुट है हमारी। तो मैं आपकी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि किस तरीके से ये ड्रॉ होगा। देखिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप थे राजीव मिश्रा के साथ, थैंक यू। जब एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाता है तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है आपके लिए वो होती है लर्नर्स को इंगेज करना, अपनी क्लासेस में इन्वॉल्व करना, और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर पाएँ, ताकि आप फ्यूचर में उनसे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स ले पाएँ, ताकि आप उनको कन्वर्ट कर पाए दूसरे कोर्सेज के अंदर, ताकि आप फ्यूचर में आप अपनी रैपो बिल्ड कर पाए। और ये वो लोग होते हैं, ये वो आपके बोलते हुए पैम्पलेट होते हैं जो आप
का प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अगर आपने उनको अच्छी क्वालिटी दे दी है तो। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व करें। तो मैं इस सीरीज में आपसे बात कर रहा था कि जब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आउट होता है, तो रिजल्ट आउट करते वक्त हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये कोर्स लो प्राइस लो फीस में चल रहा है, तो स्टूडेंट को हमारे साथ में एक एग्रीमेंट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब कि कुछ रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक रूल की लिस्ट बनाई हुई है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करें, ना करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे जस्ट एक वीडियो पहले मैंने एक वीडियो अभी अभी बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इनपुट टूल्स की मदद से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके मैंने इनपुट टूल की मदद ली और यहाँ पर एक बढ़िया सी रूल रेगुलेशन का पेपर तैयार किया है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा हुआ है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर कट हो जाए। सबसे पहली चीज तो हमने यहां पर बताया है कि स्टूडेंट जो भी डिसिप्लिन्ड होंगे उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो भी इनडिसिप्लिन्ड लर्नर्स होंगे दोस्तों उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने यहां पर। अब सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि हमने जो क्लासेस यहां पर प्रोवाइड की है वो क्लासेस हमने दी है उनको ऑल्टरनेट डेज पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने यहाँ एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, ज़्यादातर वो गूगल फॉर्म होते हैं, तो उस गूगल फॉर्म पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि जो भी एडमिशन होगा वो इन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगा, और वहाँ पर हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेने से पहले ही कि क्लास वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 डेज होगी। बिल्कुल सही। तो एक महीने के अंदर स्टूडेंट को अगर हम 13 क्लासेस, एवरेज 13 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन्हें 10 क्लासेस कम से कम लेनी ही लेनी है। अगर वो 10 क्लासेस से कम ले रहे हैं तो घबराइएगा मत, हम उनका एडमिशन कैंसिल नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, मीन्स 50 रुपीज़ हम उनसे फाइन चार्ज करेंगे। बिल्कुल सही। उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते। संस्थान जो रूल बनाती है वो उनके हित में होता है, उनके फायदे के लिए होता है, और जब आप फीस नहीं ले रहे हैं तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि वो अपनी मर्जी से क्लास में आए और जाए। अगर वो अपनी मर्जी चलाते हैं तो वहां पर इंस्टीट्यूट उनके अगेंस्ट कार्रवाई करता है और उनसे पेनल्टी चार्ज करता है। जी हाँ, तो 50 रुपये आप उनसे चार्ज कर सकते हैं अगर वो विदाउट इंफॉर्मेशन छुट्टियां ले रहे हैं तो। चलिए, दूसरा, सत्र परीक्षा शुल्क 200 रुपये है, और यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज यस, हमारा सेमेस्टर एग्जाम फीस जो है वो 200 रुपये है, और जो कि क्लास शुरू होने के 30 दिन में ही दे देना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि लर्नर 3 महीने बाद हमारी क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। और अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने अपना सेमेस्टर एग्जाम फीस, पहले सेमेस्टर का एग्जाम फीस नहीं पे किया, तो दोस्तों उन्हें लेट फाइन 100 रुपीज पे करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम रूल रेगुलेशन से बाउंड हैं और हम उन्हें 20 तारीख को नोटिस लगा देते हैं कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम की फीस 30 तारीख से पहले जमा करानी है, इसके बाद 100 रुपये लेट फाइन लगेगा, ये उन्हें पहले से पता होता है। देन इसके बाद मासिक शुल्क, क्योंकि हम अपना कोर्स 1 तारीख को स्टार्ट करते हैं तो हर महीने की 1 तारीख तक देना ही होगा, वरना 10 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लिया जाएगा, चाहे वो वर्किंग डेज हो या वो आपके हॉलीडेज हो। मतलब कि अगर फ्राइडे है, फ्राइडे 1 तारीख है, और अगर आपके स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं की और वो आपके पास मंडे आता है तो आपको वो फाइन पे करेगा सैटरडे का, संडे का और मंडे का, और ये हमने उन्हें एडमिशन से पहले ही बता दिया है, और हमने उनसे कहा भी है कि इसको बिना पढ़े साइन बिल्कुल भी ना करें, बोल्ड करके हाईलाइट करके दिखाया गया है। जी हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास बिना पूर्व सूचना के, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लगातार 3 क्लासेस में, एक तो
ऑल्टरनेट डेज पे वर छुट्टी ले रहा है, वंस इन अ वीक छुट्टी ली है, इस हफ्ते में एक दिन नहीं आया, अगले हफ्ते में एक दिन नहीं आया, इस तरीके से भी अगर वो 10 दिन से कम क्लास ले रहा है तो ₹50 फाइन है, और या उसने बिना किसी सूचना के लगातार 3 दिन छुट्टी कर ली है तो भी उसको ₹50 फाइन देना है। लेकिन अगर वो हमें पहले से ही सूचना दे देते हैं कि मुझे कहीं जाना है, शादी में, फंक्शन में, एग्जाम में, विलेज, तो हम उनको लीव ग्रांट कर देते हैं और वहां पर वो कोई फाइन हमें नहीं पे करेगा। बिल्कुल, हम डिसिप्लिन्ड लर्नर्स को ही पढ़ाने वाले हैं, हम ऐसे किसी लर्नर को नहीं पढ़ाने वाले हैं जो यहाँ आकर के टाइम पास करे कि फीस कम है, एक घंटा मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा, मस्ती करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सत्र परीक्षा 50% अंकों से पास करना अनिवार्य है, अन्यथा ₹200 पुनः परीक्षा फीस शुल्क देना होगा। बिल्कुल सही आपने सुना दोस्तों, उससे डिसाइड करके हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमने फ्री कोर्स में एडमिशन लिया है क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और सेमेस्टर एग्जाम ₹200 दिए हैं, 3 महीने हम आराम से बैठेंगे। तो नहीं दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो यहाँ पर आपको फिर से री एग्जाम फीस देनी होगी, वरना हम आपको 3 महीने का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करें या 1 साल का कोर्स करें जब तक कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि फ्यूचर में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही हमारे इंस्टीट्यूट की रेपो बढ़ाएगा, नाम बढ़ाएगा, रोशन करेगा। बिल्कुल सही, अभी के कुछ स्टेप डिफिकल्ट है लेकिन फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, जैसा कि ये बेनिफिट मुझको देता है। मैं यहाँ पर स्पेशली एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, झारखंड से मिस्टर सांखो जेएस, और वो बार बार यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है अलग अलग वीडियो बनाने के लिए, और वहाँ पर वो इस टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और मेरी हेल्प लेते रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि क्लास में जनरली वी फेस अ प्रॉब्लम कि हमारे जितने भी लर्नर्स होते हैं वो लर्नर्स आमतौर पर क्लास में पंक्चुअल नहीं होते हैं। पंक्चुअलिटी ना होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 60 मिनट्स की है, 60 मिनट की इस क्लास के अंदर अगर लर्नर 5 मिनट 10 मिनट लेट आएगा तो ऐसे में हमारे टीचर्स हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे में हम अपने सभी स्टूडेंट्स को पहले ही जानकारी देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि क्लास में उन्हें देर से नहीं आना है, अदरवाइज हम उनसे लेट फाइन चार्ज कर लेंगे। तो इससे हमारे सारे स्टूडेंट ऑन टाइम क्लासेस के अंदर पहुँच जाते हैं। वही आप सभी को फॉलो करना है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपना इंस्टीट्यूट मेरी वीडियो की मदद से स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, यहाँ पर प्लीज़ इस रूल रेगुलेशन को जरूर मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो सांखो जी के लिए ये वीडियो थी झारखंड से, और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं वो वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज में एडमिशन लेगा उनको हम उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हर हफ्ते टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। देखिए मार्क्स कम या ज़्यादा होंगे उनको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनका एब्सेंट होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे हमें उनकी प्रोग्रेस पता चलेगी और फ्यूचर में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम ये लो फीस कोर्स उनको इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ₹100 में चाहे फ्री में, वो इसीलिए हो रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। तो वीकली टेस्ट अटेंड करना कंपलसरी है, पास फेल वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप अपने लर्नर्स को ऑलरेडी बता दीजिए कि वहाँ पर उनसे फाइन चार्ज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम की फीस भरने के बाद सेमेस्टर एग्जाम्स को देना कंपलसरी है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, देन कुछ और चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो आपके लर्नर्स के लिए है, एंड इसके बाद में जो लर्नर्स हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाते हैं, उसके बाद ही हम उनका एडमिशन लेते हैं। तो ये मैसेज आपको और रूल रेगुलेशन आपको हिंदी में देना है, आप बिल्कुल भी इसको इंग्लिश में टाइप मत कीजिएगा, और लर्नर्स को बिल्कुल क्लियर बता के चलिएगा ताकि वो उसको पढ़ें और उसको साइन करें तो उन्हें पता होगा कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। देन उसके बाद आप उनको एक डिप्लोमा इशू करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड होगा। तो पिछली कई सारी वीडियोस में आपने देखा था कि यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है, ये एक रूल रेगुलेशन का पेपर आप उनसे साइन करवा करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देख रहे थे राजीव मिश्रा के साथ में, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूं कुछ नए बिजनेस सेटअप करने के लिए। आज की इस वीडियो को मैंने थोड़ा और एक्साइटिंग आपके लिए बनाया, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं। इस नए बिजनेस में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है एजुकेशन बिजनेस में। माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं इसको बिजनेस का नाम दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बार बार ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं। देखिए, शिक्षा बेसिकली एक बिजनेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस के तरीके से लेके चलते हैं तो आप भविष्य में अपना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं और आप अच्छा खासा लाभ भी उस वहाँ से उपार्जित कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा स्पेशली आज इस वीडियो में जो एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एजुकेशनल फील्ड के अंदर। तो मेरे लिए उनके पास एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है, वो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस। वैसे तो इसकी जानकारी मैं अपनी पिछली कई वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने उनके लिए एक और नया आइडिया दिया है जिससे वो अपना बिजनेस सेटअप आसानी से कर पाएंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लो इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना इंस्टीट्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी, लो इन्वेस्टमेंट, अगर आप के पास बहुत सारा पैसा है तब तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर आता है दोस्त कि आपके पास पैसा ही नहीं है, और जब पैसा आपके पास नहीं है या कम है तो ऐसे में बिजनेस चलाने के लिए आपका माइंड जो है वो चार गुना तेजी से दौड़ने लग जाता है कि हम किस तरीके से कम पैसे में बिजनेस सेटअप करेंगे। चलिए, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बिजनेस। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो तो मैंने कई बार आपके लिए बनाई है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जिसमें एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाए। सबसे पहली चीज प्रायोरिटी कि आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आज के टाइम में भी जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, क्रांति हो रही है, सभी लोग अपने आप को अपडेटेड करते जा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी लोगों को कंप्यूटर की आवश्यकता कहीं ना कहीं कभी ना कभी पड़ती है, और कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जहां पर हर दो में से एक स्टूडेंट या तो कंप्यूटर सीख चुका है या सीख रहा है या फ्यूचर में सीखने की प्लानिंग कर रहा है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया मास मिल जाता है, आपको एक बहुत बड़ा जनसंख्या का हिस्सा मिल जाता है जहां पर आपको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन तक लाना ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हम अभी ढूंढेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे बिजनेस का प्लान हुआ कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब बात आती है लो इन्वेस्टमेंट। तो लो इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप सिर्फ अपना फर्नीचर खरीदेंगे और कंप्यूटर आप कुछ दिनों के बाद खरीदेंगे। जी हाँ, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, तो फरीदाबाद से हमारे एक कॉलर ने कॉल किया था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आखिर ऐसा कैसे होगा कि बिना कंप्यूटर के आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ उन कॉलर को भी बताना चाहूँगा जिनके मन में ये डाउट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कोई भी लर्नर आपके पास आता है तो वो इंक्वायरी लेगा आपके कोर्स के बारे में, आपके स्कीम्स के बारे में जानेगा, और उसके बाद वो एडमिशन लेगा, क्लास शुरू करेगा। तो मुझे एज अ टीचर ऐसा लगता है कि जब भी हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कोर्स कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मॉनिटर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको कम से कम 5-6 क्लास तो लग जाएगी कंप्यूटर फंडामेंटल को कवर करने में। जी हाँ,
देखिए पर्सनली मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट कंप्यूटर पर नहीं बिठाता हूँ, अगर वो एक लॉन्ग टर्म कोर्स के अंदर आ रहे हैं, मतलब एक डिप्लोमा कोर्स में आ रहे हैं या एक बेहतरीन कोर्स के अंदर आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कौन कौन से बटन हैं, राइट क्लिक कीबोर्ड से कैसे होता है, इवन आप नेविगेशन की का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंसर्ट की क्या होती है, डिलीट क्या करता है, बैक स्पेस क्या करता है, ऐसी बहुत सारी कीज़ हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक हफ्ते में स्टूडेंट को देते हैं और आप उन सभी लर्नर्स को बता सकते हैं कि जब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट होता है तो आपको सिस्टम यहाँ पर मिल जाते हैं। वो सारे सिस्टम हमारे हेड ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं और इस दौरान जितना भी पैसा आपने अपने लर्नर से कलेक्ट किया है वो सारे का सारा पैसा जो है उससे आप कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ और वो जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैं कभी भी अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस railofsale.com से, तो उन सभी में मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास आई है उनका इस्तेमाल करता हूँ। चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस और करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप अपने बिजनेस में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बिजनेस में या तो दौड़ में सबसे आगे रहेंगे या फिर आप बिल्कुल दौड़ से बाहर रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि इसमें आप दौड़ में सबसे आगे रहेंगे या बिल्कुल दौड़ से बाहर हो जाइए। अगर आप ये सोचे कि नहीं, मेरे सामने बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, हमारे इलाके में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में आप अपना बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे, आपको दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बिजनेस के अंदर, हम बिजनेस के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखते हैं और हमारे माइंड में नेगेटिविटी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो छोटी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा आप दौड़ से बाहर हो जाइए, और या फिर आप उस कॉम्पिटिशन में रहेंगे ही नहीं जो कंपटीशन आपको नेगेटिविटी दे रहा है। तो यानी कि आप दौड़ में सबसे आगे हो जाइए कि आपके अलावा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कोई बना ही नहीं सकता है। देखिए, मैं बात नहीं कर रहा कि आप बहुत बड़ा अच्छा सेटअप बनाने वाले हैं, वेल फर्निश्ड कि आपके पास सोफा लगा हुआ है, एयर कंडीशनड है, नहीं, आपके पास 10 चेयर्स हैं, 2 फैन हैं, आप इससे भी एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि जब स्टूडेंट का कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट से, तो वो आपके पास से क्या लेके जाएगा? क्या वो आपकी महंगी महंगी टेबलें लेकर के जाएगा? क्या वो आपके पास से एयर कंडीशन लेके जाएगा? क्या वो यहाँ से एयर कंडीशन के अलावा, सॉरी, वेल फर्नीचर लेकर के जाएगा, सोफा सेट लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्त, वो आपके यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेकर के जाएगा, और जिसको हम टारगेट करेंगे। ये आज के समाज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं कहता हूं कि पैसा आप कमाओ, लेकिन आप क्वालिटी दो तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। पैसे के पीछे मत दौड़िए, पैसे के आगे दौड़िए, तो उसमें मैग्नेट पावर होती है, वो आपको चेज करता रहेगा, ठीक है। अब तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली है कि हमारे सामने मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं। पुराना जो भी है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें दम है और वो औरों से बिल्कुल अलग है। जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर हो जाएगा, आप बिल्कुल मेरे जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे। मैं नहीं कहता कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से सेटअप है, रन करता है, कि यहाँ पर हमें पर मंथ एक्सपेंडिचर को पे करने में, एक्सपेंसेस को पे करने में और अपने लिए सेविंग्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 2010 के अंदर मैंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था और उस टाइम पर हमारा जो रेंट था वो सिर्फ 2700 रुपये था, 2700 रुपये, और आज हम अपने इलाके के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपनी लोकेलिटी में जो रेंट पे करते हैं वो 30,000 रुपीज़ है हमारी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है आपके लिए, बस आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। तो चलिए, आपने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है कि इस पूरी लोकेलिटी के अंदर सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन आपका होने वाला है और आपका है,
ये दमखम आपको दिखाना है। चलिए, इससे एक तो ये बेहतर चीज़ होगी कि अब आप कंपटीशन से बाहर हो गए तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर जो उसका बेस होता है, जो रूट है, जो मूल है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार में ग्राहक होता है और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है और सब कुछ है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 20 स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, फर्नीचर है, सोफा सेट है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे आप ऐसे सेटअप का। और बजाय उसके अगर आपके पास एक छोटा सेटअप है और आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो आप ही जीत रहे हैं इस रेस को। अब स्टूडेंट आपके पास आएंगे कैसे? तो ठीक है, स्टूडेंट लाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको जो प्रायोरिटी देनी है, जो तवज्जो देनी है, वो प्रेफरेंस आपको देनी है अपने स्टूडेंट्स को, उनके आगे कुछ भी नहीं। स्टूडेंट को लगना चाहिए कि आप यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ना कि सिर्फ आप उनसे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक पैम्पलेट दिखाई दे रहा है, इस पैम्पलेट को ध्यान से देखिए। मैं आपको इसकी जेपीजी इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ से ये जेपीजी इमेज है ताकि आपको क्लियर हो जाए। पैम्पलेट बड़ा सिंपल है, यहाँ पर लिखा गया है फ्री कंप्यूटर कोर्स। हिंदुस्तान में फ्री के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है कंप्यूटर का जो पाठ पढ़ेगा उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ेगा। प्रवेश सूचना निःशुल्क प्रशिक्षण, यानी कि हम इसमें कोई भी मंथली फीस नहीं लेने वाले हैं, A4 आसान। और यहाँ पर हमने एक लाइन स्पेशली मेंशन कर दी है, कोई मासिक शुल्क नहीं। और दूसरा, हम जो कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्लस टेली। वाओ, दो चीज़ें हम कराने वाले हैं स्टूडेंट को। हम बहुत बड़े कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बड़े कोर्स की जानकारी पिछली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम उनको बेसिक कंप्यूटर कराएंगे और टैली कराएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में करा सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि मात्र 4 महीने में बनिए कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर साक्षर, जिसमें हम आपको बेसिक और टैली कराएंगे। वाओ, ये हमारे प्रोग्राम का दम है, ये उसकी स्ट्रेंथ है कि हम अपना कंप्यूटर कोर्स बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ 4 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे बेसिक और टैली। आपको आश्चर्य हो सकता है, सरप्राइज हो सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, जहां पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन इसी कोर्स को कराने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम लेते हैं, तो वहां पर हम इसको 4 महीने में कैसे कराएंगे, ये क्वेरी आपके स्टूडेंट के पास हो सकती है। देखिए क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट को बोर ना करें और टॉपिक को लगातार पढ़ाते रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये कोर्स आसानी से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप उनको बता सकते हैं आपकी इंक्वायरी को, देखिए जब कोई इंस्टीट्यूशन मंथली फीस लेता है, हर महीने की फीस लेता है, तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने तक उसके पास फीस आती रहे, तो इसीलिए वो आपका 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं और 3 महीने का टैली कोर्स कराते हैं। लेकिन हमारी जो जान है वो ये है कि हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करा रहे हैं, मतलब कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलिए मान के चलता हूँ ये कोर्स 4 महीने में नहीं ख़त्म होगा, 4.5 महीने में होगा, ये जिम्मेदारी हमारे संस्थान की है, हम इस कोर्स को कंप्लीट आपके लिए कराएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए इसको पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाए। तो हमारे कॉम्पिटिशन से बाहर होने का रास्ता ये हुआ कि जहाँ पर और ऑर्गेनाइजेशन इसी कोर्स को कराने के लिए 6 महीने का टाइम मिनिमम लेते हैं, वहाँ पर हम इसको 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट करा रहे हैं। और हम क्लास दे रहे हैं सप्ताह में 6 दिन 90 मिनट्स रोजाना, यानी कि 1.5 घंटे का हम बैच दे रहे हैं, वीक में 6 डेज है। इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, जैसे कि वीक में 5 डेज आप कर सकते हैं या फिर 1 आवर की क्लास कर सकते हैं अगर आप 90 मिनट्स नहीं देना चाहते हैं तो। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए अपना जो बैच टाइम रखा है वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक रखा है, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करने जाता है, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, या हाउसवाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, वो कोई भी स्टूडेंट आकर के इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपने इसमें टैली ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा कि किस
एज ग्रुप के लर्नर्स आसानी से टैली कर पाएंगे। अब वो उनका एजुकेशनल लेवल 7th क्लास हो सकता है, 8th क्लास हो सकता है, 9th क्लास हो सकता है, 10th क्लास हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो स्टूडेंट हैं ये अपना कोर्स जो है टैली का कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको सिर्फ एमएस ऑफिस का कोर्स ऑफर कर दीजिए। उसके बाद आप बता दीजिए उनको कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अच्छे तरीके सीख रहे हैं, तो हम आपको टैली का कोर्स करा देंगे। वो लेवल है, ठीक है, सारे लर्नर्स के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, या फिर जिनका एजुकेशनल लेवल कम है या जिनकी एज कम है, ठीक है। अब अगर आप 5 साल के स्टूडेंट को टैली कराने बैठेंगे या वर्ड एक्सेल कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, तो ये तो सरासर उनके लिए मतलब उनको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, मैं आपको कहूँगा, ठीक है। और हम यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वी आर हेयर टू हेल्प देम, हम उनकी हेल्प करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन यू ऑल हैव टू टेल देम द क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज योर प्लान एंड व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर देम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, द चैलेंजेस दे विल फेस और यू मे फेस, ओके। तो यहाँ पर ये मैसेज क्लियर हुआ। उसके बाद बैच टाइमिंग आप अपनी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, और योजना केवल सीमित समय के लिए, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको भी इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ पर फ्री है, पैम्पलेट को थोड़ा छोटा करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये, यानी कि आपने अपने स्टूडेंट से मात्र 600 रुपये एडमिशन फीस के लिए लेने हैं, एडवांस लेने हैं, वन टाइम है, और उसके बाद उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है, और 4 महीने बाद उस स्टूडेंट को यहां से एक सर्टिफिकेट कोर्स का इशू कर दिया जाएगा। 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तो कुछ भी नहीं है, और हम कोई हिडन चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पैम्पलेट की पहली लाइन जो है वो ये मेंशन कर रही है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स में कोई भी मंथली फीस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, और लास्ट डेट, मतलब अगर आपने एक पैम्पलेट प्रिंट कराया तो उस पर एक डेट तो आप देंगे ही ना एडमिशन के लिए, 31 मार्च दे दिया आपने, आपको कुछ टाइम के बाद लगा कि मेरे पैम्पलेट सारे ख़त्म हो गए, मेरे पास एडमिशन अभी नहीं आए उतने, या मैं और भी एडमिशन ले सकता हूँ, तो उस केस में आपने और नए पैम्पलेट बनवाए और वहाँ पर आपने अंतिम तिथि जो है बदल दी। यहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, साथ में अपना इंस्टीट्यूट का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो मेरा है, मेरा नाम है राजीव मिश्रा। तो आगे बढ़ते हैं, ये पैम्पलेट लोगों के पास गया, मैसेज उनको क्लियर हुआ कि 4 महीने के अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर प्लस टैली कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस देनी है। हाँ, जब भी आपके पास कोई इंक्वायरी आए तो उन्हें बताइएगा जरूर कि आप कितने दिन क्लास देने वाले हैं, कितने मिनट की क्लास देने वाले हैं, लेकिन एक कंप्यूटर को 2 स्टूडेंट शेयर करेंगे। हमारा टारगेट है ज़्यादा ज़्यादा लर्नर्स को ये कोर्स कराना। जी हाँ, बिल्कुल सही, जितने ज़्यादा इन लोगों को, स्टूडेंट्स को आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि ये आपके ब्रांडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इनका एडमिशन लिया, अगर आपको पैम्पलेट ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पैम्पलेट में आ जाइए, आप अपने सोशल मीडिया पर आ जाइए, फेसबुक पर आ जाइए, व्हाट्सएप पर आ जाइए, इंस्टा पर आ जाइए, ट्विटर पर आ जाइए, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके के पैम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट को, फोटो आप अपनी लगाइए या कुछ ऐसे ही है, मैं अपने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने से बहुत ज़्यादा प्यार है, सबसे ज़्यादा मैं प्यार अपने आप से करता हूँ, इसलिए यहाँ वहाँ अपनी फ़ोटो लगाता रहता हूँ। तो इस तरीके का मैसेज दीजिएगा उनको, ठीक है। और ये भी आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, यहाँ पर 1 अप्रैल की दी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये है, यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लिखा गया है, वीक में 6 डेज है, 90 मिनट्स क्लासेस हैं, 4 मंथ्स हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और कंटेंट हम पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, बिल्कुल सही। कुछ इस तरीके के पैम्पलेट आप डिज़ाइन कीजिए और उन्हें पूरे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। यहाँ पर अब आगे चलते हैं कि अगर आप ये करने वाले हैं तो आपको क्या फीस रिसीव होने वाली है। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कहती है कि अगर आपने जो एडमिशन है 50 स्टूडेंट के लिए 600 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास 30,000 रुपये की कलेक्शन आ गई है, और वो पैसा आपके पास एडवांस आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, एडवांस। अगर आप अभी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो ये 30,000 रुपये जो है
उसे आप ले करके अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर देखिए कम से कम एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास और भी नए एडमिशन आएंगे, क्योंकि अभी तो आपने लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाना शुरू किया है। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, हार्डवर्क कीजिएगा, या एक अच्छे ट्यूटर को ढूंढिएगा जो कंप्यूटर फंडामेंटल आसानी से पढ़ा पाए। तो जब तक आपकी थ्योरी चल रही है तब तक तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है ही नहीं, ना कंप्यूटर टेबल की ज़रूरत है। 30,000 रुपये कलेक्शन आई, और हो सकता है 1 वीक में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, डेडिकेटेड होकर के पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास कुछ नए एडमिशन भी होंगे। चलिए मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप एक एवरेज लर्नर 100 स्टूडेंट्स को एनरोल कर पाते हैं तो आपको 600 रुपये मिलने वाला है, यानी कि 60,000 रुपये, ठीक है। और 60,000 रुपये के अंदर अब आपने क्या काम किया कि 5 कंप्यूटर परचेस कर लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, 5 कंप्यूटर आपने परचेस किए, तो एक समय पर आपके बैच में 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और ऐसे में आपको 10 घंटे का बैच बनाना पड़ेगा। 10 घंटे के बैच के लिए आपको जो पैसा मिला है वो सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ हुआ है। आप ये सोचेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि आपको रेंट भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, टीचर की भी सैलरी देनी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगले 4 महीने में आपके पास एक भी एडमिशन नहीं आएगा? रिपीटिशन इज मदर ऑफ स्किल्स। आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली दोहराते रहते हैं तो वहां पर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आज आपने एडमिशन लिया, अगर आज 1 तारीख है तो अगले आने वाले 10 दिन में आपके पास और भी एडमिशन आएंगे। अगर आप अभी मई के मंथ में काम कर रहे हैं तो जून में भी तो आपके पास एडमिशन आएंगे ना दोस्त, जून के बाद जुलाई में भी तो एडमिशन आएंगे ना। या आपने सोचा कि ना 100 स्टूडेंट का बैच लेना है और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर और भी स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं। 5 कंप्यूटर का सेटअप आप 7 कर सकते हैं, 7 कंप्यूटर का सेटअप 8 कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके लर्नर इनकेस किसी भी कारण से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो आपको फीस तो कोई रिटर्न करनी नहीं है ना उनको, वो सारे का सारा पैसा जो है आपने एडवांस ले लिया है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और लर्नर अगर आप 200 पर ले आते हैं तो आपके पास 1,20,000 रुपये। आप बिल्कुल मत भूलिए कि आपने इस बिजनेस में पैसा भी तो कम लगाया हुआ है ना। अगर आपने लाखों रुपये इसमें लगाए होते तो आप लाखों कमा लीजिए, जब आपने इसमें पैसे ही कम लगाए हैं तो आप प्रॉफिट की चिंता क्यों कर रहे हैं। शुरू के 6 महीने तो आप प्रॉफिट की चिंता कीजिएगा मत, प्रॉफिट आपको मिलेगा जरूर, ये मेरा वादा है। आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा जरूर, ठीक है। अब होता क्या है, इतना होने के बाद आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपने कंप्यूटर सेट कर दिया है, इसके बाद में भविष्य में मिलने वाला व्यापार, ये थोड़ा सा टाइपिंग में रह गया है, इसमें हम अभी टाइप नहीं कर पाए पूरा। तो भविष्य में मिलने वाला व्यापार कि आप अपने स्टूडेंट को जो कोर्स करा रहे हैं उनको कंप्यूटर के और भी कोर्सेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट कन्वर्ट होगा डीटीपी के अंदर, आप कोरल ड्रॉ फोटोशॉप करा सकते हैं, वेब डिजाइनिंग करा सकते हैं, आप उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करा सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो ये होगा कि आप अपने स्टूडेंट को स्पोकन इंग्लिश कोर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, आप उनको ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं, और उसके बाद आपको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है क्योंकि आपने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन कन्वर्ट कर लिए हैं। अब दूसरा मुद्दा जिसके अंदर आता है वो ये, इन केस अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके पास एडमिशन कम हो गए हैं, तब आपको थोड़ा सा काम करना है कि जो स्टूडेंट आपके बैच में पहले से आ रहे हैं अब आप उन्हें देंगे एडमिशन करवाने पर इंसेंटिव। इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप किसी स्टूडेंट को पॉकेट मनी प्रोवाइड कराते हैं, ये फायदेमंद है। आप अपने स्टूडेंट्स को अनाउंस कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों का एडमिशन कराइए, वो एडमिशन जो आप कराएंगे उसमें हम आपको 100 रुपीज पर स्टूडेंट इंसेंटिव देंगे। अगर आपने 5 स्टूडेंट का भी एडमिशन करा दिया 1 महीने के अंदर तो मंथ के एंड में 30 तारीख को हम आपको 500 रुपीज पे करेंगे, बिल्कुल सही। आपने 4 भी करा दिए तो भी हम आपको 400 रुपये देंगे, अगर आपने 3 भी एडमिशन करा दिए तो हम आपको 300 रुपये देंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में नहीं,
पहले इस कोर्स को एक महीना चलने दीजिए, दो महीने चलने दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक एडमिशन लाएंगे जिस पर आपको इंसेंटिव नहीं देना है, कोई भी इंसेंटिव। लेकिन हाँ, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मेरे पास लर्नर कम हो रहे हैं, तो आप इंसेंटिव का पत्ता खोल सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ तक चलते हुए लगा आपको कि नहीं मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स में अदर कोर्सेज में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, मेरी पुरानी वीडियो से हेल्प लीजिए, हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाते हैं या डायरेक्ट एडमिशन देते हैं कि ₹200 पर मंथ में हम आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास देंगे। अब अगर आपने 20 स्टूडेंट का बैच बना दिया ₹200 पर मंथ के हिसाब से, और ये बन भी जाएगा। देखो, पहले जो स्टूडेंट आपको लाने पड़े वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ऑलरेडी जो स्टूडेंट कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं उनको अगर आप कंप्यूटर में से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनको इमीडिएट ऑफर कीजिए कि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लीजिए, आपको हम ₹200 पर मंथ में कराएंगे, 20 स्टूडेंट का बैच बनाइए, ₹4,000 आपको पर मंथ कलेक्शन मिल रही है एक घंटे के बैच से। आप ट्रेनर को जितना भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या आप जितना अर्न करना चाहते हैं, आप खुद पढ़ाते हैं तो खुद भी अर्न कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम लाइफ टाइम इनको लो फीस पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट है कि वही इस खेल में जीतेगा जिसके पास स्टूडेंट होंगे, और हम इस खेल के एक्सपर्ट हैं। हम पिछले 9 सालों से रेंट पर बिल्डिंग में ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और हमारे पास ढेरों स्टूडेंट हैं अलग अलग कोर्सेज के अंदर। मेरी खुद की स्किल्स ऐसी है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को लेकर के आ सकता हूँ। मेरी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी शार्प है, वो चाहे मैं 600 रुपये पर मंथ वाला कोर्स आपको ऑफर करूँ, या मैं स्कॉलरशिप वाला कोर्स आपको ऑफर करता हूँ, या मैं कोई और भी 1 ईयर कोर्स ऑफर करता हूँ। और ये सारे प्रोग्राम जो हैं वेरीफाइड, ट्रस्टेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसका बेनिफिट हम उठाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस का बेनिफिट उठाइएगा, और थोड़ा सा होमवर्क जरूर कीजिएगा। इंस्टीट्यूट आप कहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप इंस्टीट्यूट को ग्राउंड फ्लोर पर स्टार्ट करने की बजाय फर्स्ट फ्लोर पर स्टार्ट कीजिए। उसका कारण ये है कि सबसे बड़ी चीज़ आपके पास पैसा तो है नहीं, और अगर जब आपके पास पैसा नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर पर मिलने वाला स्पेस आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। तो फर्स्ट फ्लोर पर जो भी आपको जगह मिलती है वो सस्ती होती है, उनका रेंट कम होता है, और अगर आपके पास अपना कोई स्पेस है तो उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से आती है, या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप मिनी लैपटॉप्स का इस्तेमाल कीजिएगा। मिनी लैपटॉप्स मोबिलिटी के साथ आते हैं, आप उनको फोल्ड कर सकते हैं, पोर्टेबल हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, बैटरी बैकअप होता है, लाइट चले जाने पर भी 1 घंटे 2 घंटे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर फंडामेंटल आप पढ़ाएंगे, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आप सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, सिलेबस मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना चाहिए, या आपको लगेगा कि मैं बहुत छोटी छोटी टिप्स आपको दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे जो एक बिजनेस तो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, तो यहाँ मैं इसके बारे में बात करूँगा। और अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और आप किसी और वीडियो को देखिए जिसमें आपको और भी हमारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं उन फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आप अपने जॉब के अलावा भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला सकते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल, व्हाट इज अ कंप्यूटर। इसके बाद आप उन्हें पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन। जनरली हम इनकी किताबें बना के रखते हैं, बुक बना के रखते हैं, और हम अपने स्टूडेंट को ये बुक देते हैं। एक्चुअल में हम उनको सेल करते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जब भी उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो हम उनको बताते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे पास एक बुक है, वो बुक अपना परचेस कर सकते हैं, और उससे भी हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। देर आर मैनी वेज टू अर्न मनी, लेकिन काम में ईमानदारी जरूर बरतिएगा। आप उनसे कोई झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, धोखा नहीं करिएगा, आप उनसे बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिएगा,
अच्छे से उनको पढ़ाइएगा, ठीक है, देन आपने कंप्यूटर के पार्ट्स बताए कि इसके कंप्यूटर के तीन, उसमें पार्ट्स आप दो पार्ट देंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आप देंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सॉफ्टवेयर आप बताएंगे हर तरीके के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़ के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, पैकेजेस के बारे में। और इसके बाद आप पढ़ाएंगे उनको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप एमएस पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, स्टार्ट मेन्यू, रन, इन सभी की जानकारी देंगे। और उसके बाद स्टार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, सॉरी पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड तो बहुत कॉमन है, आप वो भी करा सकते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सारी चीज़ें। इनसे रिलेटेड वीडियोज भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मैंने एमएस वर्ड के बारे में भी टिप्स दी हैं, एक एक मिनट की, दो दो मिनट की, उनको ध्यान से देखिए। हाँ, उनकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए मुझसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है और मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं मैं उनका इस्तेमाल ही करता हूँ हमेशा। मैं कभी भी वो रिसोर्स जो मेरे पास नहीं है उनका इस्तेमाल करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग है मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक हैंड्स फ्री है अगर 40-50 रुपए का, मैं उससे ही वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, एको होती है, लेकिन उसके बावजूद भी तो यूट्यूब मुझे पैसा दे रहा है ना, लोग मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं ना। हाँ, डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फ़ायदा होता है, तभी तो मुझे कॉल करते हैं फरीदाबाद से, झारखंड से, रोहित कॉल कर रहे हैं, अजय कॉल कर रहे हैं, सांको डॉट जे एस कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। तो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो वो सक्सेसफुल ही होगा, फेलियर के चांसेस नहीं है। अगर आपने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी आपको बता दूँ अगर आप सुनना चाहें तो। वेल, आजकल मैं एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपने बारे में जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई साथी हैं जो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं और स्टूडेंट भी मोटिवेट करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताइए कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें जिससे हम ज्ञान लें और हमारी तरक्की का रास्ता जो है वो खुल जाए। चलिए, आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ और नई जानकारी दूंगा। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, हो सकता है वो आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।